अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोगन सुभाष। और अभी हम आए हैं रेवदंडा फोर्ट पर, और ये फोर्ट है वो पोर्चुगीज़ कैप्टन है सोच करके, उन्होंने ये बिल्ड किया था कुछ 1531 में बिल्ड किया था। और इसकी ज़्यादा कुछ हिस्ट्री नहीं है, पोर्चुगीज़ के बाद यहाँ पे मराठा एम्पायर से उन्होंने ये फोर्ट कैप्चर किया था, फिर उनके बाद उनका ही राज था, फिर उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने ये फोर्ट कैप्चर किया और फिर यह अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। तो मैं आपको पूरा फोर्ट दिखाता हूँ, चलो। और हम अभी इधर खड़े हैं, ये टॉवर है छोटा सा, पर यहाँ पे 7 स्टोरी बिल्डिंग, 7 स्टोर ये थे इसको लेवल्स, तो उस पर से पहला लेवल है वो गिर गया है, अभी 6 ही बाकी है, तो आप देख सकते हो ऊपर। अभी हम रेवदंडा बीच पर है, ये साइड में इसके रेवदंडा फोर्ट भी है, तो वो देखिए सामने फोरलाई फोर्ट। अगर आप मेरे इधर आसपास देखोगे तो मोस्टली प्री वेडिंग के लिए बहुत ही फेमस है ये रेवदंडा फोर्ट। इसके फोर्ट के लग के एक बीच है, रेवदंडा फोर्ट बीच ही है, और आप देख सकते हो मेरे पीछे और मेरे आसपास सब प्री वेडिंग फ़ोटोशूट चालू है, कोई ना तो कोई फ़ोटोशूट ही चालू है, देखो आप चारों तरफ। बहुत सारी मतलब यहाँ पर शूटिंग हो रही है, बहुत ही ज़्यादा लोग आए यहाँ पे प्री वेडिंग शूट के लिए। हम अभी ऐसे पॉइंट पे बैठे हैं जहाँ से हम डायरेक्ट नीचे जा सकते हैं, डायरेक्ट, और नीचे से डायरेक्ट टूट के हॉस्पिटल या ऊपर, ये देखो। एक्चुअली मैं अभी पत्थर पे बैठा हूँ जो थोड़ा सा बाहर निकलता है खिड़की का, ये देखो वापस से वही किला कोरलाई फोर्ट, ये देखो ये। यहाँ पे लेफ्ट साइड में सबवे है, बुहेरी मार्ग जो बोलते हैं, खुफिया जो अंडरग्राउंड रास्ता होता है वो है वहाँ पर। Thank you.
और आप इस तरफ जाओगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पे चर्च है पर उसकी कंडीशन कुछ इतनी अच्छी नहीं है जो लोकल से हमें बता रहे थे अभी। रेवदंडा जो गांव है ये पूरा ये फोर्ट के बॉर्डर के अंदर ही आता है, तो आप कभी आएंगे तो पूरा फोर्ट घूमना अच्छी तरह से। एक्चुअली कुछ बचा नहीं है, सब ख़त्म हो गया, मतलब सब टूट गया है, टूटे फूटे कंडीशन में, पर फोटोशूट के लिए ये प्लेस बहुत ही खास है। और आप कभी आओगे यहाँ पे, आपका ये प्री वेडिंग के लिए तो सुपर प्लेस है, मतलब इसको कोई मतलब दूसरी प्लेस रहेगी नहीं, इतनी खास प्लेस है ये। और आप आओगे यहाँ पे तो आपको भी दिखाई देगा कि पूरा यहाँ पे प्री वेडिंग शूट ही चालू है। बस बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ से, पुणे से आते हैं, मुंबई से आते हैं। मैंने अभी पूछा एक से तो वो पुणे से आया था, जैसे कि मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया, पर वो प्री वेडिंग शूट के लिए आया था और वो हमेशा आता है। मुंबई से भी बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे शूटिंग के लिए, और आप गाना या कुछ और भी शूट कर सकते हो यहाँ पे, बहुत ही अच्छी प्लेस है, इसमें पैसा वसूल प्लेस है फ़ोटो शूट के लिए, आप ज़रूर आना यहाँ पे। हेलो गाइज, मैं अभी आया हूँ रेवदंडा फोर्ट पर, और मुझे यहाँ पे यहाँ के जो लोकल है ओमकर तांबड़कर, वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे जो किसी को मालूम नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आप यूट्यूब पे देखोगे तो सब ने थोड़े थोड़े ही वीडियो डाला है, और ये हमें पूरा फोर्ट दिखाने वाले हैं और वहाँ के सब जगह जो मालूम नहीं है किसी को वो बताने वाले। और इन्होंने बहुत सारी ऐसी तोहफे भी है जो खोज के निकाली है, और उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन कराया है आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया के पास। अभी बाकी की इन्फॉर्मेशन ओमकर बताएंगे आपको। हाय, ये किले का मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस पे ही यहाँ पे मरुआई मंदिर है, ये पुरानी टाइम से ही यहाँ पर है किले के। ये क्राउन है, यहाँ से मेन एंट्रेंस है, यहाँ पे डोर था। हाँ, ये क्राउन अभी बना, पूरा पत्थर में बनाया हुआ है क्राउन। मेन एंट्रेंस के सामने पूरा समुंदर था, पूरा समुंदर के बाजू में ये किला स्थित है, और यहाँ पे ज़्यादा आप देखेंगे तो ऊपर तोहफा इस साइड में ही ज़्यादा है। यहाँ पूरा पहले पूरा ऐसा वालू वगैरह ऐसा था, अभी थोड़े यहाँ पेड़ बेड़ और लोगों की बस्ती हो गई है मेन एंट्रेंस के बाद में यहाँ से एंट्री है। और गाइज, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, ये जो पूरा गाँव है ये फोर्ट के अंदर ही है, और जो रास्ता है अलीबाग और मुरुड को जो ज्वाइन करता रास्ता, वो फोर्ट के बीच में से जाता है बराबर। और उसके लिए उस टाइम बाईपास नहीं था, तो किले की दो दीवारें तोड़ी गई थी बस जाने के लिए। यहाँ से किले पे ऊपर जाने के लिए रास्ता है, मतलब घोड़ों पे या ऐसे कुछ ऊपर हेवी चीज लेके जाने के लिए होगा तो उसके लिए पूरा रास्ता बना हुआ है, अच्छा पूरा ऊपर फोर्ट पे जाता है। यहाँ पे सब तोहफा रखे हुए हैं, सब सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे तोहफा रखे हुए हैं, सब बड़ी बड़ी तोहफे यहाँ पे वहाँ पे ऐसे सेम डिस्टेंस पे आगे आगे सब बड़ी बड़ी तोहफे रखे हुए हैं। तोहफे यहाँ पे अभी इस यहाँ पे लगभग होंगे 20 होंगे 20। हाँ, और पूरे फोर्ट बाकी पूरे फोर्ट में 49 अब तक गिना गया। अच्छा, हाँ उसमें से सेट 7-7 खनी में। अच्छा, बाकी सब यहाँ पे ऊपर फोर्ट पे ऐसा रखा हुआ है, उसका डायरेक्शन भी अभी पता चलता है कि कौन से डायरेक्शन में ये है। अच्छा, गाइस ये देखो, मैंने इतने सारे नारियल तोड़े हैं अभी अभी ये मैं घर लेके जाने वाला भाई से। किले के अंदर ही यहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर है, उसके बाजू में
पीपल का एक पेड़ है और ये दीप स्तंभ है। कूलिंग बघ कसली काय थंड पूरा पत्थर का बांधकाम है उस टाइम किया हुआ इतना मजबूत स्लैब अपना अभी आज के जमाने का स्टोर रूम हाँ। और बहुत ठंडा भी है यहाँ पे कूलिंग कितना है यहाँ पे शिला लेख है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए जिससे आपको मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसे चौकोनी बुर्ज कहा जाता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऊपर सब किला बनाया हुआ है। अरे एंट्रेंस है यहाँ से। किले के पीछे की बाजू भी बोल सकते हैं। यहाँ से आगे देखेंगे तो कुंडलिका रिवर है और पूरा पानी यहाँ तक आता था पहले, अभी थोड़ा कम है। और ये पीछे की बाजू का एंट्रेंस है, यहाँ से अपन जा सकते हैं। ये फोर्ट की बाहर की बाजू है, इसके पीछे जाएंगे तो रेवदंडा बाईपास है, मतलब ये लास्ट वॉल है, इसके आगे बाईपास है।
इकड़े का आता पूरा। अभी आप देख सकते हैं किले का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे है, किला पूरा प्राइवेट प्रॉपर्टी में ही आता है, मतलब जगह जगह अलग अलग मालिक है उन। यहाँ पे किले का खुफिया रास्ता है, इसे मराठी में भुयारी मार्ग भी कहते हैं। अभी यहाँ पे पानी भरा हुआ है पूरा, पहले यहाँ से जाने के लिए रास्ता था, ये अभी बंद किया हुआ है क्योंकि बारिश के और समुद्र का पानी ऐसे अंदर आता है। बहुत कम लोगों ने इसे देखा हुआ है, और ऐसे भी कहा जाता है कि यहाँ से कोरले फोर्ट के लिए जाने के लिए रास्ता है, लेकिन है या नहीं वो मालूम नहीं। ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पे दरबार हुआ करता था उस टाइम का, ये सब स्ट्रक्चर वहाँ पे आप देख सकते हो, सब ऊंची ऊंची दीवारें यहाँ पे, उस टाइप का सब स्ट्रक्चर है। किले में कुछ जगह जाने के लिए उस जगह के मालिक से आपको परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि किला बहुत जगह पे प्राइवेट प्रॉपर्टी में ही है। ये जो दीवार को होल दिख रहे हैं, इसमें पहले साख के लकड़े थे और पूरे फ्लोर थे, लेकिन बाद में ये सब लकड़े गिर गए और कोई निकल गए यहाँ। आप यहाँ पे रेवदंडा फोर्ट घूमने के लिए आते हो तो रहने के लिए भी यहाँ पे आजू बाजू में बहुत सारे लॉजिंग है, टेंट भी है, रेंट पे आपको सब मिल जाएगा, और अच्छा खाना वो भी यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ की चिक्की बहुत फेमस है और नारियल ज़्यादा फेमस है। रूम्स के रेट्स यहाँ पे मिनिमम 600 रहते हैं और उसके अबव जाते हैं, जैसा रूम रहेगा उस हिसाब से और आपको जो चाहिए। एक किले की पूरी दीवार थी, लेकिन बस जाने के लिए यहाँ से तोड़ा गया, यहाँ से रास्ता बनाया गया है। एवढं शेबन आवाज बघ। नको गाइस, यहाँ पे बैट है, आपको जो आवाज आ रहा है ये बैट का आवाज है। जैसे आप उन्होंने देखा पूरे किले पे जाने के लिए ऊपर जाने के लिए रास्ता था, वैसे यहाँ से भी सीढ़ियाँ है किले के ऊपर जाने के लिए, यहाँ पे रास्ता है पूरा दीवार के ऊपर और आगे सब तोहफा रखे हुए। चलो आप यहाँ पे हम ये किले के ऊपर के बाजू में आए हैं, यहाँ पर ये बड़ी तोफ दिख रही है, ऐसी यहाँ पे डिस्टेंस डिस्टेंस पे बड़ी बड़ी तोहफे। ये तोहफा लगभग 9.5 फीट लंबी है और यहाँ से ये बाईपास दिख रहा है, किले के आगे बाईपास रोड है, रेवदंडा बाईपास यहाँ पे। हेलो गाइस, और भी घूमने के लिए बहुत है, पर यहाँ सबकी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है एक्चुअल फोर्ट में, तो ज़्यादा कुछ हम देख नहीं सकते क्योंकि हर लोगों की परमिशन नहीं ले सकते हम, क्योंकि पूरा जो फोर्ट है ये सब पूरा का पूरा प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मैं अभी आया हूँ बिरयानी खाने के लिए, और ये रेवदंडा में है रॉयल केटर्स करके,
और अभी बिरयानी खाने वाले हैं, देखते हैं अभी कैसे है। 80 rupees का है बिरयानी एक प्लेट, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, अभी खा के देखता हूँ कैसे। गाइस ये चिकन कबाब है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, बने रहिए हमारे साथ।